गाइस, माय नेम इज सदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिपेटिक सेगमेंट्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम हेडिंग डालने वाले हैं हिपेटिक सेगमेंट। इसको एक नाम और देते हैं हम फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर, और इसी को हम बोलते हैं ट्रू लोब या फिर फंक्शनल लोब। ओके, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, हेपेटिक सेगमेंट फिजियोलॉजिकल लोब, जिसको हम बोल देते हैं ट्रू लोब या फिर फंक्शनल लोब। ये एनाटॉमिकल लोब से डिफरेंट है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको जो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन एंड बाइलरी डक्ट। तो लिवर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है हिपेटिक आर्टरी का और पोर्टल वेन का और बाइलरी डक्ट का, इसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं लिवर के दो लोब, राइट एंड लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लिवर या फिर हिपेटिक सेगमेंट। ठीक है ना, तो किस तरीके से करते हैं। सो गाइस, अब हम डायग्राम बनाने वाले हैं लिवर का। तो दिस इज एंटीरियर व्यू ऑफ लिवर, ओके, एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू ऑफ लिवर। हम इसके लिगामेंट्स बना देते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, दिस इज लिगामेंटम टेरिस, दिस इज लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ओके, अगर हम इन्फीरियर वेना कैवा को पोस्टीरियर व्यू में देखते हो तो यहाँ कहीं होता है, इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा इन्फीरियर वेना कैवा को। ओके, और यहाँ पर क्या होती है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, दो नोच प्रेजेंट होती है, एक तो इंटरलोबुलर नोच फॉर लिगामेंटम टेरिस और सिस्टिक नोच फॉर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था जब हमने डायग्राम बनाने जब सीखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर व्यू के डायग्राम की। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, समझ लेंगे इससे भी हम, क्योंकि हमें फिजियोलॉजिकल लोब पढ़ना है लीवर का, तो सिर्फ और सिर्फ हमें डिवीजन देखना है, इसमें डिवीजन किस तरीके से होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं एंटीरियर व्यू की, दिस इज एंटीरियर व्यू ऑफ लीवर एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू ऑफ लीवर। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू में हमें एक प्लेन पास करना है जो कि ग्रूव ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा से होता हुआ सिस्टिक नोच की तरफ जाए, बिल्कुल एक स्ट्रेट प्लेन पास करना है हमें इस तरीके से। इसको पास करने के बाद जो दो लोब बनेंगे राइट एंड लेफ्ट, वो क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लिवर। ठीक है, जबकि हमने एनाटॉमिकल लोब में क्या किया था, हमने लिगामेंटम टेरिस इन्फीरियरली पास की थी और फेल्सिफॉर्म लिगामेंट एंटीरियो सुपीरियरली पास किया था। ठीक है ना, इस तरीके जो प्लेन बनेंगे, प्लेन पास करने के बाद जो लोब बनेंगे वो थे एनाटॉमिकल लोब। लेकिन अगर हम ग्रूव ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा सुपीरियरली और सिस्टिक नोज से होती हुई एक प्लेन पास करते हैं, ठीक है, तो उससे जो लोब बनते हैं राइट एंड लेफ्ट, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लिवर। इन्फीरियरली हम कहां पर प्लेन पास करते हैं, मैंने आपको बताया था इतना पोर्शन होता है इन्फीरियरली, इसके ऊपर क्या होता है पोस्टीरियरली। ठीक है, तो हमें इन्फीरियरली प्लेन पास करना है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर इस तरीके से, और यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है कॉर्डेट लोब, जो दिख नहीं रहा इस डायग्राम में, यहां पर होता है कॉर्डेट लोब। ठीक है, यहां से होता हुआ एक प्लेन और मिडल ऑफ कॉर्डेट लोब से होता हुआ हम प्लेन पास करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें प्लेन पास करना है इस तरीके से, जो दो लोब बनेंगे, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, उसको क्या बोल देंगे हम, फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लिवर। ठीक है गाइज, अब इस डायग्राम में समझते हैं हम फिजियोलॉजिकल लोब के बारे में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है ना, ये इस तरीके से डायग्राम बना रखा है बीडीसी में। तो अगर हम प्लेन पास करते हैं एंटीरियर में और सुपीरियर में, कहां से, फोसा ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा और सिस्टिक नोज से होता हुआ एक हम प्लेन पास करते हैं, तो दो लोब बनते हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट।
वो क्या होंगे इसके फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर। एनाटॉमिकल लोब में हम फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में और लिगामेंटम टेरिस से प्लेन पास करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके पोस्टीरियर और इन्फीरियर व्यू में, तो इन्फीरियरली हम पास करते हैं फोसा फॉर गोल्ड ब्लैडर से एक प्लेन, और कॉर्डेट लोब के बिल्कुल मिड से यहां से हम प्लेन पास करेंगे, दो लोब बनेंगे, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ये क्या होंगे इसके फंक्शनल लोब होंगे, या फिर इसको हम बोल देंगे फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर, ठीक है। सो गाइज अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं राइट लोब की तो राइट लोब को भी डिवाइड कर रखा है, सब डिवाइड कर रखा है, इसका भी सब डिवीजन है, सब डिवाइड इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट लोब की, लेफ्ट लोब को भी सब डिवाइड कर रखा है, सब डिवाइड इंटू मीडियल एंड लेटरल सेगमेंट में। तो टोटल जो लीवर के सेगमेंट होते हैं वो फोर होते हैं, ठीक है ना। राइट लोब में दो होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लेफ्ट लोब में भी दो होते हैं मीडियल और लेटरल सेगमेंट। अभी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको भी, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एंटीरियर की, तो एंटीरियर के भी फर्दर दो डिवीजन होते हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। पोस्टीरियर के भी दो होते हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर पोर्शन। मीडियल के भी दो होते हैं, एक सुपीरियर पोर्शन और एक इंफीरियर पोर्शन। लेटरल सेगमेंट के भी दो होते हैं, एक सुपीरियर पोर्शन और एक इंफीरियर पोर्शन। अब हम समझेंगे डायग्राम से कि ये चीज क्या है, ओके। सो गाइस जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये है फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर और हेपेटिक सेगमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, दिस इज राइट फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर एंड दिस इज लेफ्ट फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर। यहां पर हेपेटिक आर्टरी, दिस इज हेपेटिक आर्टरी, दिस इज पोर्टल वेन एंड दिस इज हेपेटिक वेन। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने लीवर के दो फिजियोलॉजिकल लोब बनाए, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। उसको हमने डिवीजन किस तरीके से करना था वो हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि हिपेटिक सेगमेंट कैसे बने। तो राइट लोब के दो हिपेटिक सेगमेंट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर सेगमेंट एंड दिस इज पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। अब एंटीरियर के भी दो सब डिवीजन होते हैं, एक होता है सुपीरियर एंटीरियर, दिस इज एट नंबर एंड फिफ्थ नंबर इज इन्फीरियर एंटीरियर राइट फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लीवर, ठीक है। इसी तरीके से होता है पोस्टीरियर वाला भी, पोस्टीरियर हेपेटिक सेगमेंट के भी दो सब डिवीजन होते हैं, ये सुपीरियर एंड दिस इज इन्फीरियर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेफ्ट लोब ऑफ लीवर की, तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में एक होता है मीडियल, दिस इज मीडियल सेगमेंट एंड दिस इज लेटरल सेगमेंट। मीडियल सेगमेंट के भी दो सब डिवीजन होते हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। लेटरल सेगमेंट के भी दो सब डिवीजन है, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। तो इस तरीके से डिवीजन होता है हेपेटिक सेगमेंट का। इसकी एक सर्जिकल इम्पोर्टेंस होती है, वो क्या होती है कि सपोज करो लीवर में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ लीवर के अंदर, तो उसकी वजह से एर्थ नंबर का जो सेगमेंट है इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई, बिल्कुल मतलब काम करना इसने बंद कर दिया और इसका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और भी सेगमेंट्स में, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसी सेगमेंट को, सिर्फ इस सेगमेंट को टारगेट करते हैं और इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पूरा लीवर इन्फेक्ट होने से बच जाता है। तो ये इसकी एक सर्जिकल इम्पोर्टेंस देखने के लिए मिलती है हमें हेपेटिक सेगमेंट्स की। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर की, ओके गाइज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं अगली वीडियो डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू।